हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड। माय नेम इज ऋषभ और आज मैं आपके लिए थोड़ी सी डिफरेंट और यूनिक वीडियो लेकर आया हूँ। जब भी हम एक पुरानी गाड़ी परचेज करने जाते हैं या आपका काम है या इवन ऑटोमोबाइल जर्नलिज्म में अगर आप हैं तो पुरानी गाड़ियाँ या नई गाड़ियों का पेंट चेक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हमें नहीं लगता पता लगता कि कब किसी गाड़ी को रीपेंट किया गया या कोई पार्ट डैमेज था तो उसको दोबारा पेंट किया गया। तो इन सारी चीज़ों के लिए एक डिवाइस आती है कारसिस वालों की तरफ से, तो वो एक मेरे को काफ़ी अच्छी डिवाइस लगती है। हमारे तो काफ़ी काम आते हैं, आपको भी परचेज कर लेनी चाहिए। अमेजोन पे इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, चेकआउट ज़रूर कर लें। और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे ये काम करती है, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देख लें। वैसे तो हम गाड़ी देखते तो हमें बिल्कुल साफ़ सुथरी सही लगती है, लेकिन ब्लैक कलर पे और भी ध्यान देना पड़ता है। जैसे यहाँ पर अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको 130 आ जाती है माइक्रोन्स यहाँ पर। अब इसका मैं आपको ये भी बताता हूँ कि नॉर्मली कार्स में आपको 100 150 के बीच में मिल जाती है। ब्रांड टू ब्रांड ये भी मैटर करता है, बट जब नंबर बहुत ज़्यादा आता है तो आराम से पता लग जाता है कि ये पर्टिकुलर पार्ट रीपेंटेड है, ये फैक्ट्री पेंट है। क्योंकि फैक्ट्री में जिस तरीके से पेंट किया जाता है काफ़ी थिन लेयर होते हैं, काफ़ी पतली लेयर होती है, तो यूनिफॉर्म ही आएगा। 115 आएगा, 120 आएगा, 125 आएगा, ठीक है। एंड साथ साथ 130 भी आपको 115 आ रहा है। अब ऊपर भी अगर मैं यहाँ चेक करूँगा, सरफेस थोड़ी सी साफ़ करके सीधे सीधे रखूँगा, 110 यहाँ पर आपको आ गया। अब फ्रंट डोर वाला पैनल भी चेक कर लेते हैं, उस पर भी 115 आपको आया है यहाँ पर। और मैं चेक करूँगा फिर भी 130 जैसे देख सकते हैं। साइड पे देखेंगे तो यहाँ पर 83, यहाँ पर और थिन लेयर है इसकी पेंट की। लेकिन अब मैं एक चीज़ यहाँ दिखाना चाहूँगा, बोनट पर 175 थोड़ी बढ़ गई। जहाँ आप कोने जब चेक करेंगे ना तब आपको ज़्यादा पता लगेगा एजेस, यानी कि 190। और एज वाली तरफ जाऊँगा 225। इतना ही नहीं, 1130 देख रहे हैं, इतना ज़्यादा। तो जितना आप लास्ट एज पे जाके चेक करेंगे वहाँ पर आपको लेयर्स का काफ़ी फ़र्क आएगा। मैं दोबारा आपको यहाँ पर और दोबारा दिखा देता हूँ, 890। तो इससे पता लग जाता है कि जो ये हुड है ये रीपेंटेड है। अब ऐसा नहीं है कि जब ऑफकोर्स आपने पैनल वहाँ के चेक कर लिए, उधर के चेक कर सकते हैं, बैक साइड चेक कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें यहाँ पर प्लास्टिक पार्ट्स नहीं होंगे ये, और ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेटल पार्ट्स के लिए ही कंसिडर किए जाएंगे। हुड हम और जगह से देख लेते हैं, 185। पीछे से भी देखेंगे तो 170। तो बेसिकली वही, जितने जितने एजेस है वहाँ पर नंबर ज़्यादा है, पता लग जाते हैं कि रीपेंटेड है। उसके अलावा गाड़ी बाकी बिल्कुल सेट है। तो ये इस डिवाइस का काम है, इससे आपको हेल्प मिल जाती है जब भी आप एक पुरानी गाड़ी परचेज़ करना चाहते हैं, चाहे अपने लिए, चाहे शौक रखते हैं पुरानी गाड़ियों का, चाहे ऑटोमोबाइल जर्नलिज्म में यानी कि मेरे बिजनेस में गाड़ियाँ रिव्यू करते हैं, तब भी पता लगेगा कि कंपनी ने किस तरीके का पेंट आपको प्रोवाइड किया है। दिखाना चाहूँगा आपको बॉक्स में क्या क्या मिल जाता है, इसको हम साइड पर कर देते हैं। यहाँ पर आपको एक छोटी सी मैनुअल मिलती है जो आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर हर एक ब्रांड के अलग अलग नाम लिखे हुए हैं, जहाँ पर आपको मिल जाता है कि कितनी उनकी माइक्रोन्स होने चाहिए। जैसे ऑडी, BMW, Chevrolet, Citroen आप देख सकते हैं, Hyundai का भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा 70 to 150। ये आ जाती है इसकी मैनुअल, जहाँ पर आप देख सकते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कोटिंग थिकनेस गॉज आपको मिल जाएगा। अलग अलग लैंग्वेजेस में है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं पढ़ लेना वैसे, बाकी मैं आपको बताता हूँ। सिंपल चीज़ें हैं, ये इसका पाउच है इसको कैरी करने के लिए, ये इसी का एक स्ट्रैंड दिया गया इसको कैरी करने के लिए, साथ में आपको मिल जाती हैं ये एक इसको कैरी करने के लिए, साथ ही आपको ये प्लेट्स मिलती हैं यहाँ पर। वो इंपॉर्टेंट है मैं दिखाना चाहता हूँ कैलिब्रेशन के लिए, कि रिज़ल्ट आपका बिल्कुल सही एक्यूरेट आए, उसके लिए ये प्लेट्स बहुत बहुत ज़रूरी हैं। ये आपको यहाँ पर इसकी मिल जाती है बैटरी ऑफकोर्स, और ये आपको मिल जाती है द मेन डिवाइस। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये किस तरीके से काम करता है। इसमें आपको तीन बटन्स दिए गए हैं, मोड, पावर एंड यूनिट। पावर को दबा के रखेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, इसको एक सिंगल टच देंगे तो इसकी लाइट भी ऑन हो जाएगी। ये इसकी प्लेट्स दी गई हैं ताकि आप इसको अच्छे से टेस्ट कर सकें, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। प्लेट्स में आप देख सकते हैं दो तरीके की अलग अलग प्लेट्स दी गई हैं, एक स्टील बेस है और एक एल्यूमिनियम बेस है। इनके ऊपर आप जब भी टेस्ट करेंगे ऑटो मोड पे तो ये देख सकते हैं इनका जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही कैलिब्रेटेड है। लेकिन क्रॉस चेक करने के लिए आपको यहाँ पर ये प्रिसीजन फॉइल दी गई है, ध्यान से देखेंगे तो इसके ऊपर नंबर लिखा हो 1035 प्लस माइनस 10। अगर आप अब इसको चेक करेंगे तो उसके पास ही रिजल्ट आएगा, इट मीन्स आपकी जो डिवाइस है वो बिल्कुल कैलिब्रेटेड है। और इसको कैलिब्रेट कब करने की ज़रूरत पड़ती है, जब आपको बहुत देर बाद इस डिवाइस का यूज़ कर रहे हैं या पहली बार यूज़ कर रहे हैं। तो हम इसको कैलिब्रेट ऑलरेडी कर चुके हैं इसलिए हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है। इसी तरह के इसके अलग अलग मोड्स हैं, जहाँ पर ऑटो, मैनुअल, आपको प्रोग्राम मोड मिल जाता है F वाला और FE वाला के साथ साथ N का मोड भी मिल जाता है। यूनिट भी आप चेंज कर सकते हैं, माइक्रोन्स का आ जाएगा, MM में आ जाएगा और आपको मिल में आ जाएगा, ये भी अलग अलग होते हैं। और यहाँ से आप इसकी लाइट ऑफ कर पाएंगे और यहाँ से आपकी लाइट ऑन हो जाएगी। सो दिस इज़ हाउ द डिवाइस लुक्स, एंड ये आपको काम आगे हेल्प करेगी डेफिनेटली।
यही थी इस डिवाइस के बारे में सारी डिटेल। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, डेफिनेटली इसे चेकआउट ज़रूर कर लें, काफ़ी लोगों के काम आएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो हर तरीके के लोगों के काम आती है। चाहे आप गाड़ियों का शौक़ रखते हैं तब भी, पुरानी गाड़ियाँ परचेज़ करते हैं, सेल करते हैं, आप अपने शौक के लिए 2-3 गाड़ियाँ रखना चाहते हैं, इवन नई कंपनीज़ में जैसे जिस तरीके का पेंट क्वालिटी प्रोवाइड की जाती है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल जर्नलिज्म फील्ड में काफ़ी काम आता है इसका, तो डेफिनेटली चेकआउट ज़रूर कर लें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये था मेरी तरफ से वीडियो, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय।